सरहदी जिले कुपवाड़ा के दूरअफ्ताद इलाका वर्नव रंग जबड़ी में बुनियादी सहूलियतों का फुकदान। मुकामी लोगों ने आज एक खामोशी एहतजाज करते हुए कहा कि हाल ही में चालाबारी हुई और बिजली गरजने की वजह से मजकूर इलाके में सैलाबी जैसी सूरत हाल पैदा हुई, जिसकी वजह से मजकूर इलाके में बहुत नुकसान हुआ, दान या बाकी चीज़ों को भी नुकसान पहुँचा। मगर बदकस्मती का आलम यूँ है कि मजकूर इलाका वर्नव रंग जबड़ी इलाके में सरकार की तरफ से कोई भी टीम नहीं आई, जिसकी वजह से मजकूरा इलाके के लोगों को मीडिया से बात करनी पड़ी। मजकूरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने जिला इंतजामिया के साथ साथ मुतलका महकमा जात को अपील की कि वो मजकूरा इलाके की तरफ एक टीम रवाना करें और नुकसान का जायजा लिया जाए। रंग है रंग जबड़ी, ये मतलब अब हमारा जो हल्का है, हल्का जो हमारा ये रंग, ये अलग है वर्णों से, दो हल्के यहाँ वर्णों और रंग है। लेकिन हमारे हालांकि कि ये प्रॉब्लम है कि रात ये इतना मसला हुआ, झालाबारी का हुआ वगैरह, ये बादल फटा, पानी आया, इलाके में सैलाब आया। तो देखो आप हालात देख रहे हो, यहाँ हालात तो मौके पे मौजूद हालात है। कोई पार्टी यहाँ, ना डीसी साहब आया, ना कोई और आया, एग्रीकल्चर वाले, हार्टिकल्चर वाले और रेवन्यू डिपार्टमेंट रात को आई तो वो वर्णों से वापस चले गए, ना इलाके का मौका किया, ना देखा ये गरीब लोग इनका क्या हुआ, ये मकान सामने इसमें पानी गया रात को, किसी कोई भी पार्टी यहाँ नहीं आई, किसी ने फोन नहीं किया, चाहे वो डीसी साहब हो हमारा, कोई भी मतलब या ये क्या नाम है इसका तहसीलदार साहब है वगैरह, कोई नहीं, या ये हमारा पटवारी था रात रेवन्यू डिपार्टमेंट, वो वर्णों से वापस चले गए। हमारे हालात देखो अगर कितना सैलाब आया रात, क्योंकि हमारी आवाज को सुनता नहीं। अगर हम मीडिया की कोई बात कर रहे हैं, मीडिया पे देते हैं बात, वो यहाँ से बिल्कुल वागा तक वागा से आगे वो जाती नहीं, ना डीसी साहब के पास पहुंचते हैं। यहाँ हमारे ऐसे कार्यकर्ता है जो पैसे देते हैं, वो बात को मिटा देते हैं, हमारे मसले को मिटा देते हैं। अब देखो गरीबों का क्या हालात है, क्या हमारा हो रहा है, हमारे इलाके रंग के अंदर और जबड़ी के अंदर अल्लाह की कसम का किसी चीज मतलब जो हमारी सब्जी है वो हमारे लिए नहीं है। हमारे फसल को बात तो छोड़ो, फसल चाहे अखरोट था या मकई थी या शाली थी, वो तो खत्म हो गई हमारी, क्योंकि हम तो इसी लायक हैं, हमारी बात सुनने के लिए कोई है नहीं, आगे कोई आने वाला नहीं, यहाँ कोई बात करने वाला नहीं, सरपंच थे। अब हम डीसी साहब जी, आप ये रिक्वेस्ट करते हैं कुपवाड़ा डीसी साहब खुद आए और मौका करें और देखे हालात कैसे है यहाँ, यहाँ का मतलब इस टाइम जो बच्चों बच्चों की बात है, स्कूल तो बंद होने वाला, 17 को स्कूल खोलने वाले, कहाँ से जाएंगे वो बच्चे, हालात देखो। दूसरी बात यहाँ हमारी ये बिजली डिपार्टमेंट का ये पोल आ रहे हैं, वो तो इनको जमीन से निकाल के सड़क पे चढ़ाने, सड़क तो हमारी है, हमने तो छोड़ी है जमीन। आज उसके बारे में रात में इस इंस्पेक्टर साहब से ये बात कर रहा था, हमीद शाह से, वो बोलता है एक इसमें कंपनी काम कर रही है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये बाजर किस लिए डाल रहे हैं वो राम गुलाम हसन गखड़ है, लिहाजा मेरी आपको वसीयत है, मेरी झोल है, मैं माफी आपको मांगता हूँ, हमारी बात अगर पूछनी चाहिए। हम बेले में रहने वाले, हम 50 घर है यहाँ, जिसके ये पानी किया, हमारे बच्चे और माल नशा हमारा सड़क पर था, हमको कोई इलाज नहीं, हमको जमीन यही है, मकान हमारे बने हैं तकरीबन 50 घर, हमारा 50 घर उजड़ गया था, हम बहुत बच्चे मर गए थे, हम सड़क पर बाहर निकल गए, हमको किसी से एहतियात नहीं है, हम किसी से नौकरी नहीं करते, हम किसी से कुछ अपनी मांग मांगते हैं, लिहाजा ये नाले का कुछ ना कुछ बनना चाहिए, एक ये कलवट है, एक वहाँ नीचे है, हम माल मनीषा आज फसलों में लोग इन लोगों की जमीन है उस पर माल मनीषा नहीं जान देते, नाले का एक कलवट था, कलवट भी उड़ गया, लिहाजा उस ना बच्चे की वार है वो आने की, ना माल मलेशिया की वार है, ये हमारी व्यवस्था है, हम माफी मांगते हैं, इस किसी तरीके में ये नाले का कुछ ना कुछ बनना चाहिए। भैया हम आपके शुक्र गुजार हैं, आप लोग यहाँ आए, यहाँ कोई नहीं आता, चाहते हम डीसी आप ही लोग हैं, हम ये चाहते तहसीलदार आप ही लोग हैं, हम ये चाहते हमारा माई बाप आप ही लोग हैं, मगर ये करना चाहिए, ये बात आगे बतानी चाहिए। सर इसके इलाके का नाम है रंग, ये जबड़ी की रोड जाती है। सर मेरा नाम नज़ीर अहमद कामराजी है सर, बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हूँ लोलाब का। सर हमारी रिक्वेस्ट ये है सर, जो भी टीम आती है सर मारे तक नहीं पहुंच सकती, मारे बंदे जैसे हैं ऐसे भी जड़े नहीं है। पहले नंबर आज 3 रोज हो गए सारे पुल टूटे, अगर बरसात होगी कल होगी कुछ भी होगा सर, हमारे बच्चे कहाँ से जाएंगे, हमारे माँ बाप कहाँ से जाएंगे सर, रास्ता हमारा पूरा कट हुआ है सर, अगर इसको किसी टाइम मिलती है किसी टाइम गाड़ी नहीं मिलती सर, हमें कंधे पर उठा कर नया नीचे ले जाने पड़ते सर, उसके लिए हमारी ये रिक्वेस्ट है सर, हमारा पुल जल्दी तामीर होना चाहिए, हमारे बच्चों थोड़ा स्कूल को जाने को कुछ कड़ी शड़ी लगा के जब आलम बच्चों को थोड़ा चलने का रास्ता बनाते, वो भी नहीं रहे यहाँ सर। अब क्या कुछ अपील है बस हमारी सर, यही अपील है सर, डीसी साहब को अपील है सर और तहसीलदार साहब को अपील है सर, कोई टीम भेजो सर, यहाँ का मसला हल करो।